एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बना रही हूँ इडली। ये देखिए, मैंने तैयारी करके रखा है। ये रहा इडली स्टैंड, ये रहा बैटर। बैटर मैंने रेडी कर लिया है और यहाँ मैं अपना इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, चलिए फिर आपके ब्लॉग में आगे बने रहिए और देखिए मेरे लिए कैसे बनाती है। शिवा मम्मा का हेल्प कर रही है ना? शिवा शिवा बहुत हेल्प करती है। आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, तो शिवा मेरा हेल्प बहुत करती है। मैं ग्रीटिंग कर रही हूँ, शिवा भी ग्रीटिंग कर रही है। क्या करती हो बीजी रख के? अच्छी जो मम्मा काम करती है वो शिवा करती है। ऐसे बनने क्या जा रहा है डुगू? डुगू क्या बन रहा है? इडली। अब ये देखिए मेरा बैटर, अब इसमें फिल कर रही हूँ। इस तरह से मैं सारे स्टैंड सारे प्लेट को फिल कर लूंगी। और मेरा इंडक्शन भी ऑन है, मैंने पानी गर्म करने के लिए अपने स्टैंड में चढ़ा दिया है। बैटर तो बच गया, इस बैटर से मैं कल क्या बनाऊंगी सोच रही हूँ। कल डोसा बनाऊंगी। इस बैटर से मैं कल अपने हस्बैंड को उल्लू बनाऊंगी। अच्छा, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पानी इसमें मैंने डाल दिया है। डाल दो इसमें क्या? मोबाइल नहीं। देख लेती हूँ, नीचे वाला पानी में तो नहीं जा रहा है ना? पानी में नहीं जा रहा। अब मैं इसको बंद करूँगी, इसका ढक्कन। हो गया। अब मैं इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये सांभर चढ़ा हुआ है और ये इडली मेरा हो रहा है, बन रहा है धीरे धीरे। और तड़के के लिए मैंने लाया है करी लीव्स। करी लीव्स बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है। मैंने इंडक्शन बंद कर दिया है और ये रेडी है। अभी बहुत गर्म है, अभी मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, थोड़ा ठंडा होगा फिर इसको बाहर करूँगी। अब मैं इसको धीरे धीरे बाहर निकाल लेती हूँ। थोड़ा गर्म है पर ज़्यादा गर्म नहीं है, मैंने इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया था ना, इसी से टूटी नहीं। बस मैंने सारा इडली इसमें निकाल लिया, बन गया। अब मैं सांभर में तड़का लगाऊंगी। ये दोस्तों, अभी आपने देखा दिवाली के पटाखे जलाए जा रहे थे तड़के के नाम पर। अब कड़ी पत्ता भी डाले हैं, कड़ी पत्ता गया तो शाम को हो गया। तड़का लगा रही हूँ सांभर में, ये बस हो गया है। मैं इसमें डाल देती हूँ, मेरा इडली रेडी है।